देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आए दिन हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी और उनका मजाक बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक नया मामला साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस तले बन रही फिल्म सत्यनारायण की कथा को लेकर आया है। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म निर्माताओं पर आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म सत्यनारायण की कथा की जांच पुलिस करेगी। नरोत्तम ने आगे कहा कि सभी फिल्म और वेब सीरीज निर्माताओं से मेरा आग्रह है कि वे हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना बंद करें। वेब सीरीज सत्यनारायण में विवादास्पद कंटेंट की जांच के लिए मैंने डीजीपी को निर्देशित किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा। बता दें, इस फिल्म के टाइटल पर आपत्ति जताते हुए एक संगठन ने कहा कि ये टाइटल हिंदू देवी देवताओं का अपमान है और संगठन ने फिल्म निर्माता से माफी की मांग की है। हालांकि बाद में फिल्म के टाइटल को बदलने का फैसला किया गया है। टाइटल बदलने की जानकारी फिल्म के निर्देशक समीर विद्वान ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट साझा करके दी है। मेरा ये सब जो निर्माता हैं इस तरह के, इनसे प्रार्थना है कि ये हिंदू देवी देवताओं को सॉफ्ट टारगेट करना बंद करें। मैंने हिंदू शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि ये कभी किसी और धर्म पे नहीं लिख सकते। आपने सुना, इनने ये जो बार बार बना रहे हैं कि इनने कभी अल्पसंख्यकों पे कुछ लिखा है, उस पे फिल्म बनाई है, लिख नहीं सकते।